प्राण से पोषण। ये प्राण मात्र जीवनीय तत्व नहीं, यह औषधीय तत्व है, ये प्राण पूर्ण तत्व है। ये प्राण अग्नि है, प्राण ये प्राण सोम है, प्राण ही अग्नि सोम है, प्राण ही पिता है, प्राण ही माता है, प्राण ही धाता, प्राण ही स्वसा, प्राण ही आचार्य, प्राण ही ब्राह्मण। प्राण में बहुत शक्ति है, हर रोज करना है भस्त्री का प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास भरना, बाहर छोड़ना, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनको अस्थमा खांसी सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, वे भस्त्री का प्राणायाम किया करें और दूध में हल्दी ले लिया करें, शिलाजीत ले लिया करें, जिनके फेफड़े और ज्यादा कमजोर, च्यवनप्राश ले लिया करें, आश्रम का च्यवनप्राश भी है, आपको उपलब्ध कराते हैं। आपने सुना होगा च्यवन ऋषि बूढ़े थे और उन्होंने च्यवनप्राश खाया तो जवान हो गए, आज वही च्यवनप्राश हमने बच्चों को दिया था। भस्त्री का प्राणायाम रोज करना, जिनके फेफड़े कमजोर हैं थोड़ा च्यवनप्राश ले लेना, दूध में हल्दी शिलाजीत ले लेना, और दूध में एक आश्रम का चाय है दिव्य पे, उसको पी लिया कर, वो जो आप ऐसी चाय पीते हो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं है, आप दिव्य पे हर्बल टी पिया करो, आश्रम का चाय पिया करो। भस्त्रिका की बात और कपाल भाती प्रणाम करें, जोर की है, यदि ये मंच मजबूत रहा होता तो इसको उखाड़ देती, लेकिन हमारे पासीघाट के भाई बहन भी बड़े मजबूत हैं, 20-22 हजार की आबादी है इस शहर की, और 20-22 हजार तो यही बैठे हैं, पासीघाट के बाहर से कितने आए हुए हैं, पासीघाट के जो बाहर से आए हुए हैं हाथ हिलाना हिलाना जरा, पासीघाट के बाहर से, मैंने कहा पासीघाट में इतने लोग ही नहीं आए, कहां से हाथ हिलाना जरा, पासीघाट के बाहर वालों का एक बार जोरदार अभिनंदन है, इतनी ठंड में इतने प्रतिकूल मौसम में भी, कल तक तो भयंकर बरसात हो रही थी यहां, इतनी तेज बरसात के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, क्योंकि हम सब योगी हैं, हमारे पूर्वज भी योगी थे, हम योगियों की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, और आज उत्सव का वातावरण है, जश्न है, हर्ष उल्लास है, क्योंकि पासीघाट अपने 100 वर्ष मना रहा है, और इसी दौरान सौभाग्य से पासीघाट में ये योग उत्सव मनाने का भी सौभाग्य पासीघाट मिला है। एक बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन, जिन्होंने पासीघाट को ये अनूठी देन दी है, 100 वर्ष पूरा होने पर एक यह आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय उत्सव मनाया है, जश्न मनाया है, आनंद मनाया है। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती करो सब, कितना सुंदर अवसर आया है,
फिर मत कहना कुछ कर ना सके। अब आज आपको बहुत कुछ देखे जा रहे हैं। देखो लगातार करना 15 मिनट, सबको अंदर से गर्मी रहेगी, ठंड नहीं लगेगी। आपने तो दो दो तीन तीन कपड़े पहन रखे हैं, बाबा जी तो ऐसी एक चादर ओढ़ रखी है। जब बाबा ऐसे मस्ती से बैठा है तो तुमको ठंड क्यों लगेगी? रोज योगाभ्यास करना, किसी को ठंड नहीं लगेगी। हमारे सब ऋषि मुनि तो हिमालय में रहा करते थे, हिमालय में रहने वाले ही ऋषि मुनियों के सच्चे वंशज हैं, जिनका डिग्रेड होकर के जो सेकंड क्वालिटी का माल है वो जो प्रथम कोटि के मनुष्य है। देखो नीचे वाले बुरा मत मानना, जो प्रथम कोटि के मनुष्य है वो हिमालय में पैदा होते हैं और फिर दूसरे तीसरे दर्जे के नीचे पैदा होते हैं। तो आप तो पहले दर्जे के हो, सच्ची ऋषियों की संतान हो, आपका ये सब हिमालय क्षेत्र में जन्म हुआ है और मैं पैदा तो नीचे ही हो गया था, फिर मैं वापस हिमालय में आ गया क्योंकि मेरे संस्कार मुझे खींच के ले आए, क्योंकि सारे देश को मुझे योगी बनाना था ना, ऊपर नीचे वालों को जोड़ना था। मैं तो जहां जाता हूं सब मुझे अपना मानते हैं, हिमालय वाले मुझे अपना मानते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाले हो, चाहे वो हिमाचल वाले हो, चाहे उत्तराखंड वाले हो, चाहे पूरा ये पूरा पूर्वांचल, अभी तो सभी पूर्वांचल में भी घूम रहा हूं, फिर मैं जहां जाता हूं उड़ीसा में जाता हूं, पश्चिम बंगाल में जाता हूं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, सब जगह जा रहा हूं। सब मुझे अपना मानते हैं, मैं सबको अपना मानता हूं। सच्ची बात है, हम सब एक ही है, एक ही भगवान की संतान है, एक ही जैसी आत्मा हम सबके भीतर, एक ही जैसा शरीर को हम सबके भीतर। योग करना है औरों को कराना है, योग करेंगे तो रोग ही नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा। योग सेवा से राष्ट्र की सेवा करनी है, जो रोगी है उनको निरोगी बनाना है, जो गरीब है उनको भी योग सिखाना है, उनको भी रोगी होने से बचाना है, जो निराशा में जी रहे हैं, जो अक्रमण्यता में जी रहे हैं, जो संशय भ्रांति में जी रहे, अज्ञान में जी रहे, जो नशा कर रहे हैं, जो निराशा में जी रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उनको भी योग कराना है, उनको भी रोग से, नशा से, हिंसा से बाहर निकालना है। योग सेवा से राष्ट्र सेवा करनी है और अपने जीवन को भी तो संभालना है, ये काम सबको करना है। सुबह सुबह योग करना है, औरों को कराना है। फिर मत कहना कुछ कर न सके। अब खुद को अच्छा बनाना है, अपने देश को भी अच्छा बनाना है। करो कपाल भाति करते रहो, प्रार्थना के साथ। फिर मत कहना कुछ कर न सके, 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 संवर सके, we'll be right back.
के साथ उगाए अब ठंड फाग जाएगी और तुम्हारे भीतर भी तो सूरज है। बहना है सूर्य स्वर और बाया है चंद्र स्वर। योग से क्या होगा?